हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड डीएलएड भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। यह भर्ती परीक्षा पहले होनी थी, किंतु कोविड-19 के कारण ये तय समय पर नहीं हो सकी। तो आज ही इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और अगर आपका भी ये डीएलएड का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो आप आसानी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप लोग उत्तराखंड डीएलएड भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डीएलएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है? गूगल पे। और यहाँ पर देखिए, गूगल में जाकर आपको टाइप करना है जो उत्तराखंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो साइट है, ubse.uk.gov.in। देखिए, मैंने पहले ये सर्च किया हुआ था तो यहाँ पर मेरा ऑटोफिल हो चुका है। तो जब आप ये फिल करेंगे यहाँ ubse.uk.gov.in, तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, तो ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जाके आपको क्या करना है आप, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटेट दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटेट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर टिक करना है। तो ये मैंने टिक कर दिया यहाँ पर। तो देखिए डाउनलोड हो रहा है अभी। तो आपने कहाँ पर टिक करना है? डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटेट। तो जैसे ही आप ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटेट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नया पेज खुल चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्लिक लिंक टू डाउनलोड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2019-20। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये खुल चुका है यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिया है लिंक शुरू में एडमिट कार्ड 2019-20 के नीचे, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ समय बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019-20। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आवेदन संख्या ज्ञात है तो यहाँ क्लिक करें, आवेदन संख्या ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको आवेदन संख्या ज्ञात है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और मान लिया कुछ जो अभ्यर्थी हैं अगर उन्हें आवेदन संख्या याद नहीं है अपनी, तो वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अधिकतर हम आवेदन संख्या याद नहीं रहती, तो इसीलिए हम आवेदन संख्या नहीं ज्ञात है तो यहाँ पर क्लिक करें पर क्लिक करते हैं। तो देखिए एक नया हमारे सामने एडमिट कार्ड के लिए पेज खुल चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पर। चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो नेम मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब चलिए इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर भरनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप टाइप कर लेंगे। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पर। आपको क्या करना है, उसी फॉर्मेट पर लिखा करना है जैसे आपको ऊपर दिया गया है, जन्मतिथि अंकित करें के सामने इसका फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर क्या करनी है, एडिट करनी है। फिर आखिरी में देखिए आपसे यहाँ पर एक ये सवाल पूछा जाएगा, 7+5।
तो आपको पता है 7512 होता है, तो ये आप यहाँ पर आपको 12 इसका आंसर लिखना होगा 7 + 5 का, या आपको कुछ और भी ये अंक दे सकते हैं, तो जो भी दिया है उसका आंसर आपको एंटर रिजल्ट में भर देना है और उसके बाद आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 7 + 5 12, आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करें पे टिक कर दिया। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रवेश पत्र आपका लोड होने में, और इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पर है नेम, फादर नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आखिरी में है प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करें में जैसे ही टिक करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले डाउनलोड किया है तो ये डाउनलोड दिखा रहा है, तो यहाँ पर से आप अपना ये प्रवेश पत्र देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपना जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं डीएलएड का। तो जो भी यहाँ पर डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जो ये प्रवेश परीक्षा देंगे उन्हें मेरी ओर से परीक्षा हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे डीएलएड जो भर्ती परीक्षा है उसका प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। तो अगर इस वीडियो के अंत में फिर से एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।